हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज अपन बात करने वाले हैं नॉर्थ एंड मेन की प्रिपरेशन के अंदर किस तरह से हम नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख सकते हैं ताकि नेगेटिव मार्किंग आपके मेन एग्जाम के अंदर नहीं हो पाए, जो कारण है सिलेक्शन नहीं होने का। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको पता लगेगा बहुत ईजी स्टेप्स के अंदर मैंने बताया है किस तरह से हम नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं और आने वाले नॉर्थ एंड मेन्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ एंड मेन प्रिपरेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का बहुत ही आसान, बहुत इजी सिंपल तरीका। देखो, नॉर्थ एंड मेन की प्रिपरेशन के वक्त नेगेटिव मार्किंग जो कंट्रोल है, नेगेटिव मार्किंग एक्चुअल में होती क्यों है उसके अपन रीजन जानेंगे। पहले रीजन के अंदर क्या है, आपका जो थ्योरी पार्ट है वो क्या नहीं होता, थ्योरी पार्ट जो है क्या नहीं होता, रिवाइज नहीं होता। क्योंकि जितना आप थ्योरी पार्ट रिवाइज करेंगे उतना आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस क्या होते हैं, कम कम हो जाते हैं। थ्योरी पार्ट आपका रिवाइज नहीं है। दूसरा अपन बात करते हैं कि अपन जो आपका एटीट्यूड रहता है, आपका एटीट्यूड किस तरह का, कि अगर मेरे को कोई ऑप्शन देगा तब जाकर ही मैं सवाल का जवाब दे सकता हूं, अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड रहता है वो भी एक रीजन है क्या होने का, आपका नेगेटिव मार्किंग होने का। थर्ड में इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि आप बोलते हो कि मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हमेशा दो ऑप्शंस जो होते हैं वो बच जाते हैं, टू ऑप्शंस आपके रिमेन हो जाते हैं, टू ऑप्शन रिमेन होते हैं। इसका मतलब हमेशा आपके दो सही ऑप्शंस होते हैं वो बच जाते हैं, उन्हीं दो खराब ऑप्शन निकाल देते हैं और दो सही ऑप्शन लगता है कि उन दोनों में से जो रेलेवेंट होते हैं, हमेशा एक ही सही ऑप्शन होता है पर एक दूसरा ऑप्शन ऑलमोस्ट जो सही आंसर है उसके आसपास होता है, तो वही आपके क्या होते हैं, हमेशा बच जाते हैं। वो भी आपका एक क्या कारण बनता है, नेगेटिव मार्किंग होने का। ये बहुत ही रेलेवेंट रीजंस हैं, वैलिड रीजंस हैं और काफी बच्चों को ये फेस करने पड़ते हैं। तो ये फोर्थ में बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ के अंदर क्या होते हैं, आपको पता होता है कि मैं आंसर ये है, फोर्थ ऑप्शन जो चार ऑप्शन देखते हैं आपको पता है कि यार थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। जब आप क्वेश्चन आपके सामने आता है आपको पता लग जाता है ये आंसर है, बट फिर भी आप उस ऑप्शन को टिक नहीं कर पाते, तो इसका मतलब जो आपने थिंक बट कांट सेलेक्ट, तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाते जो आप सोचते हो। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट फिफ्थ ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इसके अंदर फिफ्थ ऑप्शन, आई होप कि सारे जो लोग हैं ये रिलेट कर पाएंगे। फिफ्थ ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपने सोच लिया होता है, आपने पूरा एग्जाम जो होता है वो टिक कर दिया होता है, या फिर अगर सपोज होम आ रहे हो तो आपने भर दिए होते हैं, या फिर जितने भी पैटर्न्स वाइज है नॉर्थ सेट के अंदर, जैसे अगर 1-2 सेगमेंट्स में होता है उस तरह आप टिक कर देते हैं। पर क्या होता है, जब ऑप्शन आपने टिक कर दिए होते हैं तो उसके बाद में आप जो रिमेनिंग 10-15 मिनट्स बचते हैं, जिन स्टूडेंट्स के जिन्होंने पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया होता है पर अभी भी 10-15 मिनट बचते हैं, वापस आप आकर उन्हीं ऑप्शंस को चेंज कर देते हो, तो आपने क्या करते हो, आपका जो कमबैक है वापस उस 10 से 15 मिनट के अंदर आना, वही क्या होता है ऑप्शन, आपका कारण बन जाता है किसका, नेगेटिव मार्किंग का। वापस आना आप देखते हो, जब घर पे जाके आप देखते हो कि आपने वापस जो आके 10-15 मिनट के अंदर जो ऑप्शंस आपने वापस रिकरेक्ट किए हैं वो रिकरेक्ट नहीं, एक्चुअली में आपने गलत किए थे। मैं नहीं कहता कि सारे ऑप्शंस, बट अगर आपने सपोज 10-15 मिनट पहले आके वो 20 ऑप्शंस को चेंज कर दिया होता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि 20 ऑप्शंस में एटलीस्ट आपके 13-14 क्वेश्चन आप गलत कर चुके होते हो वापस आके, और उसमें से 13-14 ऑप्शंस जो आपने एक्चुअल में पहले लगाए थे वो सही थे पर वापस आपके क्या कर देते हो, आप गलत कर देते हो। तो 13-14 क्वेश्चन की नेगेटिव होना बहुत बड़ा पार्ट करता है प्ले किसका, सिलेक्शन नहीं होने का। तो आपको गलतियां नहीं करनी, ये मैंने बताया अभी रीजंस क्या है, ये 5 मेन रीजंस होते हैं, बाकी काफी रीजंस हैं पर ये प्रायोरिटी पे है। ये रीजंस मेनली क्या होते हैं आपके नेगेटिव मार्किंग को कराने के अंदर रीजंस होते हैं। अब मैं बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं नेगेटिव मार्किंग को, ये रीजंस कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए पहले अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। आई होप गाइस यहां तक आपको वीडियो पता चल रहा हो, वीडियो का मेन जो पर्पस था जैसे थंबनेल में बताया वैसा इंपॉर्टेंट लग रहा हो। अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो रीजंस बताए उनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मैंने बताया रिवाइज का, तो एक ही काम में रिवाइज
आप क्या कर सकते हो, जितना आप रिवाइज करोगे उतना जो नेगेटिव आने के चांसेस उतने कम होंगे। अगर आपके पास एज एन अभी 10 दिन है तो 10 दिन के अंदर आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जो थ्योरी पोर्शन है उसको जब एक बार पढ़ रहे हो, जैसे मैंने बताया, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखो, उसके अंदर मैंने बताया 10 दिन का प्रॉपर प्लान कैसा है, किस तरह से मैंने पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट को मैंने पहले पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से रेलेवेंट रहना है, तो इस तरह से मैंने चीजें बात बताई है प्रीवियस वीडियो के अंदर। प्लीज जाके देखो मेरे चैनल के अंदर उस नॉर्थ एंड मेन प्रिपरेशन के लिए। थ्योरी पोर्शन को आपने क्या करना है, कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, स्लो पढ़ना है, कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, स्लो पढ़ना है। अगर आप क्या नहीं कर पाते, रिविजन नहीं कर पाते, अगर रिवाइज कर लिया है अभी तक आपने नॉर्थ सेट तक, अब क्या करो, वापस आप रिविजन करो, जितना आप रिविजन करोगे उतनी आपकी नेगेटिव आने के चांसेस कम होंगे। सेकेंड में बात करता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट, सेकेंड मैंने क्या बताया था आपको कि आप जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर आप क्या कर नहीं पाते, सेलेक्ट नहीं कर पाते, या फिर आपका जो एटीट्यूड होता है, सेकंड बात करते हैं एटीट्यूड के ऊपर, कि आपका जो एटीट्यूड होता है कि मेरे पास जब ऑप्शंस आएंगे तभी मैं उनको ठीक करूंगा, ऑप्शंस दिखेंगे तभी मैं ठीक कर पाता हूं, तो ऑप्शन दिखने के ऊपर ठीक कर पाना, इस तरह का एटीट्यूड आप रखोगे तो उसको रिजोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टोरी मेथड यूज कर सकते हो। क्या मेथड यूज कर सकते हो, स्टोरी मेथड आप यूज कर सकते हो। स्टोरी मेथड क्या कहता है कि जब आप कोई चीज पढ़ लेते हो, जब जब कोई आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो, तो उसको आप आंखें बंद करके रिवाइज कर पाओ। सपोज मैंने रिस्टेंट पढ़ा तो मैं बता पा रहा हूँ कि रिस्टेंट के अंदर पहला कौन सा है, केमिकल है, सिंपल है, एनवायरमेंटल है, तो जो भी जिस तरह के स्प्लेंट पढ़ा तो एक कौन सी स्प्लेंट है, सब चीज के ब्रूनबॉलर है, तो ये सारी चीजें जितने भी स्प्लेंट रिस्टेंट ये सब, या फिर कोई सूचस के टाइप, हाँ नायलॉन पढ़ा तो इसका कलर कौन सा था, कब ब्लू था, क्या वाइगल पढ़ा मैंने, क्या वाइगल पढ़ा तो उसका कलर कौन सा था, सिंपल पढ़ा तो मैंने, कैटगट पढ़ा तो ग्रे था, क्या एथिबॉल पढ़ा तो उसका ऑरेंज था क्या, तो इस तरह से जब आप अपने दिमाग के अंदर रिकॉल कर पाते हो तो इसका मतलब आपका जो स्टोरी पोर्शन है उस तरह का बन चुका है, और जो स्टोरी पोर्शन है तो आपका जो एटीट्यूड था पहले कि मैं ऑप्शन दिखेंगे तभी सेलेक्ट कर पाऊंगा, तो उस तरह से आपका नहीं होगा और चांसेस जो नेगेटिव मार्किंग के वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ये थर्ड मैंने बताया, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि ऑप्शन है जो कि आपको जो दो ऑप्शन आते हैं उन्हीं के अंदर आप सेलेक्ट कर पाते हो, और दो ऑप्शन जो आपके रिमेन बच जाते हैं, दो ऑप्शन बच जाते हैं हमेशा, तो दो ऑप्शन नहीं बचे उसके लिए क्या कर सकते हो आप, दो ऑप्शन नहीं बचे उसके लिए आप क्या कर सकते हो, काफी इजी आपको मेथड, दो ऑप्शन नहीं बचे उसके लिए चार ऑप्शन अगर रहते हैं, चार ऑप्शन के अंदर आपने सेलेक्ट, जैसे लोग कहते हैं कि हटाओ ऑप्शन, ऑप्शन हटाने वाला आप करते हो, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन हटाने वाले से बेटर रहता है कि आपको जो सही लग रहे हैं पहले वो देखो। आपको दो ऑप्शन जब सही लगते हैं तो उसके अंदर से जो आपको लग रहा है, जो आपकी गट फीलिंग आ रही है कि यार हाँ ये सही है उसको कर दो, जो आपकी गट फीलिंग आ रही है, पर आपको जो दिमाग कह रहा है, वो जो दिमाग कह रहा है वो उसके प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि हमेशा गलत निकलता है। जो आपकी गट फीलिंग आती है, जो आपको लग रहा है, क्योंकि इसका मतलब है गट फीलिंग आपको बताती है कि पहले ये क्वेश्चन किसी तरह आया हुआ है, कहीं ना कहीं आपने देखा हुआ है, कहीं ना कहीं थ्योरी से इसका रिलेवेंसी रही है, तो वो गट फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहती है। तो ब्रेन जो आप सोचता है वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है, प्रेजेंट टाइम डिसीजन होता है, और जो आपकी गट फीलिंग होती है वो आपके पास्ट से आपका रिलेवेंसी दिखाती है। तो मेरे हिसाब से जो दो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर जो गट फीलिंग वाला होता है, गट फीलिंग वाला होता है वो हमेशा, और प्रोबेबिलिटी जो चांसेस होते हैं उसके हमेशा सही होते हैं, तो आप जो गट फीलिंग वाला होता है उसको आप टिक कर सकते हैं, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो उसका ऑप्शन जो है सही जाएगा। फोर्थ में बात करता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग का जो रीजन है कि आप जो सोचते हैं वो टिक नहीं कर पाते, तो इस चीज के लिए जो सोचते हैं वो टिक नहीं कर पाते उसके लिए एक ही है कि आप थोड़ा सा फास्ट करो, पेपर फास्ट करो, उससे क्या होगा आपको ओवरथिंक करने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो फास्ट करने का मतलब होता है पढ़ा टिक, पढ़ा टिक, पढ़ा टिक, तो आप जितना टाइम होल्ड रखोगे ऑप्शंस को, जितना टाइम ऑप्शंस पे होल्ड रखोगे उतना टाइम आपके ओवरथिंकिंग होगी, ओवरथिंकिंग होगी जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, सही नहीं हो पाएगा, और क्या कर दोगे आप जल्दीबाजी के अंदर क्या कर दोगे, ऑप्शंस के अंदर जो आपके बहुत टाइम लेके ओवरथिंक करते रहोगे और जो गलत ऑप्शंस उसको सही कर दोगे। इससे बढ़िया एक बार पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, टिक किया, आगे बढ़े, बार बार उसी ऑप्शंस के ऊपर पड़े रहना, 5-5 मिनट तक, 10-10 मिनट तक किसी ऑप्शंस को देखना, तो वो आपके ओवरथिंकिंग ही बढ़ाता है और सही होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो एटलीस्ट जितना ऑप्शन आपने पढ़ा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, ऑप्शन देखा, ऑप्शन देखते ही फोर्थ ऑप्शन पढ़ते ही आप टिक कर दो जो आपको ठीक लग रहा है फर्स्ट टाइम के अंदर गट फीलिंग करके, तो वो आपके चांसेस जो है कि आप जो सोचते हो वो टिक नहीं कर पाते वो क्या हुआ, खत्म कर देगा। फिफ्थ
बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव आर्ग्यू खत्म करने का इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो क्या कर सकते हो, क्या आप क्या कर सकते हो, जो वापस जो आते थे, तो डू नॉट कम बैक, डू नॉट कम बैक। एक है कि आपने एक बार जो कर दिया वो कर लो आप, उसके बाद में क्या हेड डाउन करके बैठ जाओ। कभी भी एक बार करने के बाद में वापस आपने नहीं आना है। जितना ज्यादा वापस आओगे वो 10-15 मिनट के अंदर अगर आपको हो जाता है तो वापस अगर आ जाते हो, तो वापस आना ही आपके क्या होता है नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए एक बार पेपर एक बार में सॉल्व करो, एक बार में क्लियर करो पेपर, ताकि आपके जो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस है वो बिल्कुल ही 0 हो जाए नॉर्थ सेट मेंस के अंदर और आने वाले जितने भी एग्जाम्स है। तो आई होप गाइस यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। मिलते हैं नॉर्थ सेट मेन की प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही अमेजिंग वाली वीडियो इस चैनल के ऊपर आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।